बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को पीला भोजन खाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लोग अपने अपने पसंद के, अपने अपने स्वाद के अनुसार पीला भोजन बनाते हैं। आज इसी तरीके की एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बृहस्पतिवार को पीला भोजन क्या खा सकते हैं आप, और इस भोजन को आप शाम के टाइम, जिस टाइम एक टाइम अनाज खाई जाती है, उस टाइम बृहस्पति महाराज को, विष्णु भगवान को भोग लगा करके आप खा सकते हैं, चने की दाल और मुनक्का के साथ में, जो सुबह कथा के टाइम भोग लगता है। सबसे पहले हम बेसन को बनाने वाले हैं। उसके लिए 2 बड़ी चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे, और इसमें हम मखाना को एकदम अच्छे से भून लेते हैं। आप जितना मखाना खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप मखाने को एकदम बढ़िया से भून लेंगे। अब इसमें आधा कप फिर से घी डाल देते हैं, और 50 ग्राम बेसन। बेसन को मीडियम और लो फ्लेम करके एकदम अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें से एकदम अच्छी सी जो खुशबू आने लगती है, और ये जो होता है एकदम अच्छे से भून जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तब तक इसको भूनेंगे। लगातार भूनेंगे, वरना ये गुठलियाँ रह जाती है, इसमें दानेदार रह जाता है, तो दानेदार बिल्कुल नहीं छोड़नी है हमें। और अब ये बहुत ही अच्छे से इसको हमने भून लिया हुआ है, 50 ग्राम बेसन में 25 ग्राम हम चीनी डाल देते हैं। आप चाहें तो चीनी का बुरादा भी डाल सकते हैं, वो भी बढ़िया होगा। और अगर आप पाउडर रखे हैं डाल सकते हैं, और अगर आप दानेदार डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें पहले हम आधा गिलास पानी को डाले हैं, और थोड़ा सा इसको हम भूज के देख लेते हैं। अगर और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, लेकिन बिल्कुल पानी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ रही है। लगातार इसको चलाते रहे, वरना इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि एकदम लगातार इसको हम चला रहे हैं। अब इसको हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और अब जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि कद्दूकस किया हुआ नारियल जो हम डाल रहे हैं, तो आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। और ड्राई फ्रूट्स हेल्दी भी होता है और फलहार भी होता है। दानेदार किशमिश इसमें हम डाल देते हैं, कद्दूकस किया हुआ नारियल इसमें हमने डाला, और जो मखाना इसको हमने घी में भुना हुआ है उसको हल्का सा हाथ से मसल करके, ताकि ये एकदम पाउडर की तरह हो जाए और हल्का सा क्रिस्पी लगे इससे हमारा हलवा, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। हलवा और पूड़ी बृहस्पति महाराज को भोग लगाने के बाद खाइए, इससे पेट भी भर जाता है और पीला भोजन भी हो जाता है। तो इसे भी हम घी में पूड़ियों को फ्राई करेंगे, क्योंकि व्रत का जो पदार्थ होता है, जो भोजन होता है, उसको शुद्ध देसी घी में ही बनाई जाती है। बहुत लोग तेल भी खाते हैं, तो आप खा सकते हैं, कोई भी आपको वो पाबंदी नहीं है, लेकिन आप घी में बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो लीजिए, हमारी हलवा और पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बेसन का ये जो मेवा वाला हलवा है, इसके साथ में पूड़ियाँ आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। रेसिपी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिएगा।